कल डिफ्रेंसिएशन हो रहा था ना, कहाँ तक पढ़ा दिए थे बताइए तो। निकालने के लिए दिए थे तो आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? ना, हर साल की बात है, इस साल भी ना। चलिए तो कुछ डिफरेंशिएशन को बना के दिखाइए तो, अगो तू रिकैप हो जाएगा। इसको बनाइए तो पार्ट टू। हाँ बस एक बार खाली रिकैप करवा लेता हूँ। देखो कितना होगा, 3 बार और एक्स के पावर, तो ये कितना हो जाएगा, 3x के पावर 2। ठीक है, अच्छा 4x2 इसका निकालो तो। कितना आया हुआ, 4 बाहर चला जाएगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 2 x के पावर 2 माइनस 1, यानी हो जाएगा पावर 1। लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब एक बात बताओ, अगर कांस्टेंट अकेले आ जाए तो, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलिए। अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d4 किसी का भी पावर 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, 4 बाहर 4 x के पावर 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर और 0 माइनस मतलब n माइनस 1। ठीक है, तो किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, आ गया हमारे पास। तो हम इतना जो करते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, जीरो किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा बउआ, 0। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन किसका, कांस्टेंट का क्या होगा बउआ, 0। क्या होगा बउआ, 0। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए तो इस बात को। क्या दिक्कत है, 11th हिंदी पढ़ना है कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अच्छा कितना कितना बजे पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं कि सुबह पढ़ रहे हैं, सब जगह सुबह ही पढ़ रहे हैं। कितना कितना बजे बैच है अभी, सीतामढ़ी अभी नहीं खोजिए, नहीं तो आप जितना भी कोचिंग खोजिएगा ना सब शाम में ही मिलेगा आपको, गाँव से आते कि यही जगह है, तो आपका सारा कोचिंग शाम को मिलेगा, सुबह थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, सुबह में भीड़ थोड़ा कम मिलेगा, आप शाम में 5 से 6 नया बैच स्टार्ट हुआ है शाम में, तो 5 से 6 में है आपके पास टाइम, तो 5 से 6 शाम को आ जाइएगा, न्यू बैच स्टार्ट ही हुआ अभी एक ही दिन हुआ है। ठीक है, तो इस शाम को 5 से 6 में क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे है कि जैसे आप पढ़िएगा तो स्टडी पैकेज वगैरह जैसे आप सपोज करके देखिए कि 11th क्लास में है आप। ठीक है,
अब तो टॉपिक पर है तो कई सारे बच्चों को ये समस्या होता है कि सर हिंदी इंग्लिश में हमको दिक्कत है। ठीक है, तो हिंदी में भी सवाल है, इंग्लिश में भी सवाल है। टॉपिक पढ़िएगा, सवाल बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ आराम से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, सवाल बनाइए, नंबर पे बनाइए। ठीक है, इसके बाद आपको इसका प्रतिदिन मिलेगा। ठीक, तो बाकी क्लास शाम के 5 से 6 में ज्वाइन करना है। इसकी फीस है 5500 रुपये। ठीक है, एक बार में दीजिएगा तो 5000 लगेगा, दो बार में दीजिएगा तो 5500 लगेगा। ठीक है, फीस थोड़ी हाई है क्योंकि पढ़ाई में भी थोड़ा सा वो है, तो इसलिए अलग रहते हैं, कोना में रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई और वो सारे के जैसा मिलेगा। ठीक है, टेस्ट वगैरह सब टाइम टू टाइम होते रहेगा। ठीक, और कोई सवाल आपका विदाउट, आज से ही आ जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज से 5 से 6। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब एक मैं काम करूं, अगर मैं आपसे अभी के बाद पूछता हूं, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन 9 का कितना होता है, तो ये आंसर आप कर दोगे। ठीक, अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ कर ऐसा कुछ बनाता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। डिफरेंशिएशन x³, इसका बताओ तो कितना होगा? थ्री x² हो जाएगा। इसका कितना होगा? 4? नहीं, रुक जाइए। और dx/dx तो सीधे कट जाएगा ना, ये तो 4 गुने, हालांकि काटना गलत है, पावर इसका 1 होता तो प्रोसेस से 1 x^(1 - 1) 0, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 4। कोई दिक्कत? अच्छा, और यहाँ पे ऐसे रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3x² + 4, 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो ये अलग अलग कर सकते हैं आप लोग, अलग अलग, ऐसा अलग अलग देंगे तो आप तो करके रखिए, अभी आप ने बताया है, लेकिन इसी को मैं ऐसे कर दूं तो यही ना है ये, तो क्या ये नया सवाल है या उसी को खाली जोड़ दिए है? तीन को अलग अलग को हम क्या किया है, खाली जोड़ दिए, तो आप जरा बताओ तो ये कितना हो जाएगा? डी अलग अलग कर दिया इसको, एक बार इसके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट छोड़िएगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो एक बार इसका इससे, फिर एक बार इससे और एक बार इससे, देखिए ऐसा ही ना आएगा, और इसके बाद तो ये अलग अलग है। ठीक, तो क्या ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा आप, तो इसको उतार करके इसको बनाइए, तो नहीं, इस तरह आप उतारिए ना, हम तो समझाने के लिए आपको पढ़ा, आप ऐसे उतारिए ना ऐसे। बन जाएगा। ठीक है, ठीक, यार सुन दे, इसे 10 बंद कर दिया जाए चाहे गिलास, क्योंकि देखो ऑनलाइन में अगर जाना है ना तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना के बाद समय कहाँ मिलेगा हमको कि हम ऑनलाइन बनाएंगे या अपने थके भी रहेंगे, तो क्या कहते हैं, तो अभी हम खाना खा के आराम से हिंदी मीडियम पढ़ा कर खाना के लेट जाते हैं, अगर लेट के उठते रहते हैं तो देखो वीडियो बनाने के साथ, इसलिए भी तो ऐसा संभव नहीं है, इतना इतना बेस्ट होना चाहिए। भाई कितना रुपया दे देगा, मान के चलिए 25 गो बच्चा है, कहेंगे तो 1 लाख रुपया हमको देगा, तो 1 लाख रुपया के लिए इतना लाख, 1 लाख से हम ऑनलाइन से कमा लेंगे अगर ढंग से पढ़ा दिए तो, ना लगता है तुमको? ठीक है, हाँ उसमें परमानेंट हो जाता है, वीडियो बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें, इसको हटाओ तो वहाँ से चार्जर वाला को, हाँ उसको ढंग से रखो, उसमें गंदा पैसा सब खराब हो जाएगा, ऊपर वहाँ पे चार्जर रखा हुआ,
ऊपर देखो चाय पे रखे हैं। हो गया तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ। पहले तो इसको अलग अलग कर देंगे, फिर इसको इससे पीछे से क्या जुड़ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस, हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 9 6 बाहर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, आ गया इतना बन गया। तो वैसे कुछ और क्वेश्चंस आपको दे बनाने के लिए, एक आखिरी क्वेश्चन देता हूं, इसके बाद फॉर्मेट बदल दूंगा। एक्स के पावर 3/8 प्लस लो, अब बना के दिखा, बना हो गया। कोशिश कीजिए, पता है ना रूट एक्स का मान कितना होता है, 1/2, रूट का मतलब 1/2। हो गया, सरेंडर मत कीजिए ना, थोड़ा हाथ पैर मारिए, सरेंडर नहीं कीजिए, हमारे स्टूडेंट को सरेंडर नहीं करना है आपको। देखो कितना किया आप लोग, 8 को बाहर, 1/8 को बाहर फेंक दीजिए, तो यहां पे कितना बन जाएगा, प्लस 3 को बाहर भेज दीजिए, प्लस 0, थ्री बार
रूट का मतलब ऊपर जाएगा तो ना होगा, देखिए तो नीचे 1/2 होता है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक प्लस ये कितना हो जाएगा -1/2, एक जोड़ देंगे 10 और एक घटा देंगे माइनस, -3/2 माइनस नीचे आएगा तो चलो आ गया आंसर। इसमें कहाँ आप दिक्कत है आप लोगों से बताइए, कौन ऐसा हम मेडिकल लगा दिया, कोई ऐसा खतरनाक चीज लगा दी जो आपसे नहीं होता, सिंपल है कि नहीं, बस इच्छा शक्ति आपको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं बना लीजिएगा, एक आपको दे गया बनाने के लिए, और चलिए एक और आपको ट्राई करते हैं, इसको बना के दिखाइए। तो बना सकते हो इसको, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी सिर्फ बेइज्जती होता है। अच्छा एक 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 मिनट जरा रुक जाइएगा, हम सारे बैच से तो नहीं पूछते हैं, आपके बैच से पूछ रहे हैं, क्योंकि सब में बहुत बहुत बच्चा है तो उसमें नहीं पूछते, थोड़ा कम बच्चे वाले हैं पूछते हैं। और आप लोगों को लेवल क्या करना है, टॉप लेवल तक चलना है कि मॉडरेट रहना है? तो टॉप लेवल तक चलिएगा तो माथा भी भुन भुन उड़ेगा, बोलिए क्या रखना है, मॉडरेट रखना है कि टॉप लेवल तक चलना है? आ? पक्का मॉडरेट का मतलब समझते हो क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कि ये तुमसे बन गया है ना ये वाला, तो एक और एग्जाम्पल ऐसे वाला दे देते, d(x)^6 3x^1 7, तो इतना आराम से बना लेगा तुम लोग। तो इसको बोलते हैं पुटिंग शूटिंग सवाल, जिससे बच्चा खुश होता है, मजा आता है, लेकिन खुश करने के लिए यहाँ नहीं आए हुए हैं, ठीक है। आपको आए हुए थोड़ा सा मतलब दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए, लगना चाहिए, क्या बुआ? तो वैसा करना है तो बोलिए, क्योंकि एक बैच तो कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो फिर NEET JEE के लिए फिर बोलेंगे तो फिर उड़िएगा नहीं आप लोग, ठीक है। और जिसको एकदम साफे बोर्ड लेवल तक क्या करना है वो शाम वाले में चले जाइए, ठीक है। बट जिसको रहना है कि भैया हमको तो अपना लेवल खींच के चलना है, तो फिर उस सुबह वाले में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा लेवल उड़ा के देंगे आपको, ठीक। चलिए इस पर आइए, श्याम सुंदर शोरूम में कभी गए हो? शोरूम में उसमें देखता है कुर्सी एगो रहता है बिना पीछे वाला, नॉर्मल गुलका वाला, वो एगो हम लोगों को लेना है यहाँ के लिए, एक कैमरा के फ्रेम से बाहर जाकर बैठना पड़ता है, ठीक है। इतना टाइम लगेगा आपको इसको बनाने में, इतना टाइम लगेगा? नॉनसेंस,
बन जाएगा या बनाना पड़ेगा। क्या ये स्टेप आप लोगों ने पूरा कर रखा है क्या? फोर बाहर, फोर बाहर, प्लस जीरो। देखो किसी को कोई दिक्कत है, किसी को है तो पूछो, अभी पीट दो उसको। नहीं है, ठीक है। फोर, अब यहां से क्या बाहर जाने वाला है? जा, कोई बोल नहीं रहा है, इसमें तो फोर बाहर जाएगा। माइनस सिक्स और एक्स के पावर, इसमें से क्या बाहर जाएगा? फोर तो खैर है ही पहले से, यहां पर क्या होगा? छो चौका एक्स के पावर, फिर माइनस है ना होगा, चार तिहाई, माइनस पांच बट्टा टू ना होगा। देखो तो तीन में दो जुटेगा तो माइनस आई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? छ, तो ये हो जाएगा चौबीस अब बट्टा एक्स के पावर सात, माइनस नीचे आएगा तो प्लस, माइनस हो जाएगा। तो ऐसे सवाल के जवाब आप लोग दे दीजिएगा। आगे बढ़ू, कोई डाउट है? चलो, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होगा और डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का? गलत, माइनस साइन e के पावर x, एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे मैथ में आएगा, कभी जरूरत पड़ेगा तो। x के तुलना में कोई परिवर्तन जस का तस रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अब इतना का यूज करना है हम लोगों को, ठीक। तो काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो ये सब डायरेक्ट याद करना हम लोगों को, साइन का कॉस, कॉस का साइन। हो गया, बढ़े आगे। बउआ, आप लोगों ने भाई भाई में लड़ाई देखी है? जब दो भाई में लड़ाई होता है पार्ले जी के लिए और मम्मी आके पीटती है तो क्या करती है? पहले बड़का भाई को पीटती है, या जो मतलब जो भी उसको मिल जाए पहले, तो छोटका वेट करता है पिटाने का। जब वो पिटा जाता है उसके बाद वो देखता है फिर कि उसको पिटाता है इसको। अब मम्मी अगर पक्षपात कर दे तो एक को मार दूसरा को ना मारे तब तो भर दिन रोते रहेगा वहां पे घसीटते घसीटते, है ना। तो इसीलिए यही नियम पे ये नियम काम करेगा। अगर कै गो फंक्शन आ जाए, दो गो, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? एक को छोड़ दीजिएगा दूसरे को, फिर जिसको एक बार डिफ्रेंसिएशन के उसको छोड़ दीजिएगा, फिर पहले को, बेसिक सा बात है। धर्मेंद्र नहीं बोला माँ का दूध पिया था, ये कर क्या, क्योंकि एक बार में दोनों से फरियाना क्या है, संभव नहीं है। तो पहले तो एक बात बताओ, इसी प्रकार अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, अब बताइए इसमें क्या को फंक्शन है? दू गो, एओ कौन है? एओ कौन है? एक के बारे फरिया लेंगे क्या, क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, किसको, फिर किसको छोड़ देंगे और किसको, उल्टा सुल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है? प्लस, और एक्स स्क्वायर का तो सब जानता है,
टू एक्स के पावर टू माइनस वन, तो बताइए कितना होगा। प्लस टू को आगे लिख दो टू एक्स को, क्योंकि तुम इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ। आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, बना के देखो ना एक बार, दिक्कत होगा तुम है ना। चलो बनाओ, तो डी एक्स स्क्वायर ओके। ये फालतू सवाल दोबारा पूछा ना, क्या 60 कर दो क्या इसको, इसमें नहीं होता है, ये पूरा अपने साथ सिर्फ अपने को जानता है, ये वैल्यू देना पड़ेगा इसका। तो बाहर वाले को तुम एंगल में कैसे मल्टीप्लाई कर देते, ये एंगल किसी के साथ ना खड़ा है, अकेले से ना मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, इसीलिए इसको कभी भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, इसीलिए इसको आगे भेज दिए, ये अलग चीज है, समझ रहे हो। आप जरा देखो, अब हो जाएगा, देखो तुम करो तो मल्टीप्लाई, उसको बंद नहीं करते, सही सारी चीजें तो वो काम करते, इससे बढ़िया से स्पेस स्पेस बढ़िया से अच्छी करके इसी में ऑनलाइन वीडियो शूट करते हैं, और इसे मान के करेंगे तो ऑनलाइन वाले का कहेंगे कि भाग ज़्यादा होगा इसलिए गलत करेंगे, ठीक है, एक घंटे तक वैसे ही पढ़ाना ही होगा, इसी में उसको पढ़ा लेते हैं, और लास्ट में नोट करने के लिए बोल देंगे, फिर चलो फिर अब बोर्ड से पढ़ा लेंगे, लाइफ से पढ़ता है नहीं बोर्ड का, लास्ट में बोलेंगे नोट करेंगे, ठीक है, तुम बैठ जाना वहाँ पे, धीरे धीरे उसकी शिक्षा का नोट करवा देंगे, ठीक, पहले पूरा एक बार पढ़ा लेंगे ताकि ऑनलाइन कर देते हैं, रन कर बना लिया है, तो कितना तक बनाया है लेकिन ठीक है भी चल जाता है ना। हाँ हो गया क्या, कितना आया, सबसे पहली बात इसमें कितना फंक्शन है, कौन कौन, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर को बाहर फेंक दो, एक्स के पावर फोर को, और सिर्फ किसको रखो, ठीक, अब प्लस, फिर अगली बार क्या करेंगे बउआ, और अंदर किसको रखेंगे, कोई दिक्कत, थ्री एक्स के पावर फोर, और इसका होता है माइनस साइन एक्स, ना होता है कॉस एक्स का क्या होता है माइनस, प्लस अच्छा कितना होगा, थ्री बाहर ठीक, माइनस का कर दो, प्लस थ्री बाहर कॉस एक्स, और इसका चार आगे हो जाएगा फोर, और एक्स के पावर चार में से एक घटेगा तो नहीं हो जाएगा, एक्स के पावर चार का ठीक,
अब मल्टीप्लाई कर दो 3x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहे, 4 3 x³, अब बगल में क्या हो जाएगा कौन? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा। एक दो और दू, बनाइए तो। मेहनत करो भाई, बनाओ तुम लोग, दिक्कत है? बन गया ये वाला? ठीक, कितना नंबर है 10वां में? कौन गांव घर है? यही घर है सीतामढ़ी। कहाँ? बाजपट्टी। तो यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए? कौन सर? हमीद सर। क्यों बोले, क्यों बोले यहाँ जाने के लिए? बउआ सुनिएगा, तो मैं इसको अलग अलग कर दूँ क्या? ई के एक्स को छोड़ देता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ? फिर किसको छोड़ दूंगा बाबू? ठीक, आप बताओ तो इसका क्या होगा, और प्लस इसका क्या होगा? आई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स से रहता है। ठीक है, बन गया? तो ऐसे सवाल रहेंगे तो आप बना लीजिएगा, झूठे को बोल रहा। हाँ, अब चलो अगला सवाल पे आते हैं। पावर वाला चेन फंक्शन, ठीक है, एक चेन पढ़ा के चेक करूँ क्या तुम लोगों को? चेन रूल, चेन का मतलब क्या होता है? कड़ी, एक से दूसरा जुड़ा रहता है, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, उसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं बुआ? चेन रूल। क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई पढ़ाना पड़ता है, इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है, थ्योरी में कोई जरूरत है इसका, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में जाओगे तो वहां तो इसका छुच्छे इस्तेमाल है, तो उस समय बच्चा उसमें तड़पेगा कहाँ है क्या है। तो दो ही उपाय है, या तो न्यूमेरिकल गैप कर दिया जाए, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, और अगर पढ़ोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर आपको कोई भी साइंस का सब्जेक्ट इजी लग रहा है तो सिंपल बात समझिए कि वहां से मेन चीज गैप कर लिया गया है, क्योंकि जैसे ही मेन चीज गैप लिएगा बच्चा सुसाइड कर रहा है कोटा में, पागल है क्या? सीतामढ़ी के बच्चों को लग रहा है कि हाँ वाह क्या बात है, भला कहीं से पूछिए ना, वहाँ तीन तीन को मास्टर मिल जाए केमिस्ट्री पढ़ाता है, हाँ अब फिजिक्स पढ़ाने वाला है बायोलॉजी, तो हुआ लग रहा है कि बूम बड़ा मार रहा है आदमी को, उड़ रहा है माथा, यहाँ तो लग रहा है ज्यादा पूरे खतरनाके है, सब समझ में आ रहा है, कहीं से पूछिए ना, कहीं कोनो किताब पकड़ लेगा तो हुए ढह जाएगा। तो किताब के नहीं, खाली क्लास के शेर है, ठीक है, अब बाहर किताब पकड़िएगा तो साफ हो जाइएगा। इसीलिए जब आप लोगों को किताब पकड़वाएंगे नीट जेई का, उस समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए अब ये खींच लेते हैं। तो बच्चों एक आता है चेन रूल, क्या आता है बुआ? ठीक, चेन रूल क्या होता है? इस फॉर्मूला को जानते हो?
इसका एक शर्त है, किसी भी पावर वाले को तुम इसी से सॉल्व करोगे। किसी भी पावर मतलब घात जो रहेगा उसके ऊपर, उसको सिर्फ किससे सॉल्व कर सकते हो? लेकिन इसकी एक नियम है। क्या नियम है पता है? जो यहां है वही यहां होना चाहिए। अगर यहां है आम के पावर एन, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? तभी इसका होगा एन इंटू आम के पावर एन माइनस। ठीक, ये क्या फालतू बात सिखाए हैं? चलिए बताता हूं। साइन थीटा का थीटा के तुलना में, जरूरी अर्थ में एक से रहेगा, थीटा थीटा थीटा, कोई दिक्कत? अब कहानी खत्म ना, इतना आसान हो तो फिर कहानी कहाँ था? ठीक है, हमने क्या बोला, पावर वाले घात वाले को सॉल्व करने के लिए इसी के अति पे आना पड़ेगा, दूसरा और कोई उपाय? तो इसको क्या करेंगे सुनिएगा, डी एक ही बात है, पूरा पे रखो या यहां रखो। अब ये पावर बन गया, अब ध्यान से जरा देखना, ई वाला फॉर्मूला लगा देना चाहिए हमको, लेकिन यहां आम है तो यहां भी क्या चाहिए, लेकिन यहां क्या है और यहां सिर्फ क्या है? कभी इस वो वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मत जाना, क्योंकि वहां आम है तो यहां भी आम चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखना खाली, यहां आम है यहां भी आम है, तो कहिएगा अपने मन से आप कैसे ले आए हैं? तो अपने मन से लाया तो यहां मल्टीप्लाई भी तो कर दिए, ये कट के वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो जब काटना ही था तो लाए क्यों? कर्जा लियो तुम लोग जिंदगी में, जब कर्जा वापस ही करना था फिर कर्जा क्यों ले रहे हो? क्योंकि उस समय जो तुम फंसे हुए हो वो तुम्हारा काम निकल जाए, फिर बाद में तो दे ही देंगे। तो वही हाल मैंने किया कि नहीं किया? अब आप बताइए, नीचे आम ऊपर आम नीचे भी आम, तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है? एन, तो एन की जगह तू यहां पर क्या लिखाएगा? आम है तो आम है तो आम है तो यहां पर आम की जगह क्या है? साइन साइन थीटा, और एन माइनस तो यानी टू माइनस वन, इस वाले का काम हो गया। और इसका साइन थीटा के तुलना में कॉस थीटा, तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा? टू। अब पावर वन है ना, तो वन लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला आ गया, भारी है क्या? एक दो बार प्रोसेस करेंगे तो आ जाएगा, एक बार इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो चेन रूल को पहले ये पूछ लिए है कि लेवल बढ़ाना है ना, तो तुम लोग बोला हाँ 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 लो लेवल, या तो हम तो एक्स स्क्वायर पर रुक जाते। देखो समझ में नहीं आएगा ऐसा बात नहीं है, समझ में सब आएगा, दिमाग बूम बड़ाम मारेगा थोड़ा सा, है ना? बूम बड़ाम का मतलब थोड़ा सा दिमाग विचलित होगा, क्या रे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समझ में सब आएगा।
हो गया बच्चों, आगे बढ़ो। चलिए अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो। क्वेश्चन है डी कीजिए तो। वही प्रोसेस, बन गया। डी कैपिटल हो गया, इसका क्या होता है? फोर बाहर, दिक्कत है, ये बाहर चला गया। अब पावर वन माइनस, अब इसका सीधा क्या होता है? फोर तीन है, बाहर लिखो अंदर लिखो बात बराबर है। हो गया, बस पहली बार भारी लगता है, उसके बाद तो इजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल बना सकते हो आप लोग चाहो तो। ठीक है, तो कुछ सवाल आपको घर के लिए दे दूं बनाने के लिए, पक्का? ठीक है, लेकिन फेंट के दूंगा। मल्टीप्लाई वाला आता है ना, मल्टीप्लाई वाला में क्या करते हो तुम लोग? एक को छोड़ते हो, दूसरे को पकड़ते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, एक सवाल मैं आपको और दूँ क्या? जरा देखो तो, साइन थ्री थीटा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि आम का आमे की तुलना में होता है। तो क्या यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए तो, जहां जो रहेगा वहां ये होना चाहिए। तो अपने मन से लाया तो अपने मन से, और फिर ये जो यहाँ पे पहले से था उसको यहाँ लिख दिया। अब बताओ साइन थीटा का सीधा क्या होता है? तो थीटा नहीं, अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आ गुने तीन बाहर, तो वन आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर? कॉस थ्री थीटा अगुने थ्री, तो हो जाएगा थ्री कॉस। भारी है क्या? तो अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूंगा कॉस फाइव थीटा का निकाल के दिखाई, तो निकाल दीजिएगा, निकालिए तो इसको उतार के। इसको जो रहेगा उसी के तुलना में, बस
हो गया, बना लिए। हाँ इसका कितना होगा? कॉस 5 थीटा बट्टे, तो थीटा है ना, तो पहले तो नॉर्मल लिख देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई तो एक बार डिवाइड। बोल इसमें कोई दिक्कत किसी को? कॉस का सीधे क्या होगा? साइन नहीं, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है तो थीटा की जगह थीटा नहीं 5 फीट लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। ये 5 बाहर आ जाएगा, -5 हो गया, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है। कितना आया आप लोगों का? ठीक है तो प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा एक गलती मिस्टेक क्या हो गया, हम प्रिंट करवाना भूल गए हैं। आप लोगों के पास मोबाइल फोन है अभी? यहाँ नहीं, घर पे किसी के पास होगा, आप लोग यूज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग जानते हैं, तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैं अभी 5 मिनट के अंदर वहाँ पे DPP भेज देता हूँ, बना बनाया, मतलब सवाल का, जिसपे सिर्फ किसका सवाल है? डिफ्रेंसिएशन का। और आप लोगों को वो सारा सवाल कल बना कर आना है, जो डाउट होगा हमसे पूछिएगा, ठीक है? क्योंकि सारे तरह के सवाल मैंने वहाँ बना दिए। ठीक है बच्चे लोग, तो आज खाली मोबाइल का यूज कर लीजिएगा, अगले दिन से मैं आपको पेपर दे दूंगा। ठीक है बच्चे लोग, तो जाइए, सवाल वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, जाइए।